जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, मैं तुझे सब दूंगा, भरोसा रख मेरे ते। गुरुजी कहते थे, मैं तुझे सब दूंगा, भरोसा रख मेरे ते। सबसे पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूंगा, उसके बाद घर में सुख शांति ब्लेस करूंगा, और पैसे सबसे आखिर में ब्लेस करूंगा। अगर घर में सुख शांति नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, तो पैसे का क्या करोगे? तो सारा पैसा बीमारियों में लग जाएगा या गलत जगह जाएगा। पैसे का क्या फ़ायदा? अगर हमें गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो गुरु जी को पता है, हर संगत को स्वरूप देने का गुरु जी का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग टाइम होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टाइम का वेट करें। यकीन मानिए, जब भी टाइम आएगा, गुरुजी कहीं ना कहीं से स्वरूप ज़रूर दिलवा ही देंगे। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे और स्वरूप मिल भी गया तो मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। इसलिए गुरुजी की टाइमिंग्स का वेट करिए। गुरुजी ने सब काम अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही करने हैं। हमें बस इतना कहना है, गुरुजी महाराज, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, आप करिए। गुरुजी सबर देखते हैं, पर गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तभी स्वरूप मिलता है। गुरुजी संगत को हमेशा सिखाते हैं कि टिकना भी होगा, डाउट्स भी आएंगे, गुरुजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, नींबू की तरह निचुड़ना भी होगा। हर संगत को नहीं, 50% संगत को ये सब आपका टेस्टिंग पीरियड है। उसके बाद आपको सब बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब गुरुजी को लगेगा कि ये संगत जो है भीड़ वाली नहीं है, ये संगत मेरा गुरु परिवार बनने वाली है, तब आपको गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करेंगे, उसके बाद घर में सुख और शांति ब्लेस करेंगे, उसके बाद लास्ट में पैसे ब्लेस करेंगे। लेकिन इन सब में टाइम लग सकता है, और आपने गुरुजी का गुरु परिवार बनना है, भीड़ नहीं बनना है। अब भीड़ क्या होती है, बहुत सी संगत को नहीं पता कि भीड़ होती क्या है। भीड़ होती है जो सिर्फ दो चार लोगों के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं कि चलो हमें घूमने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक या दो बार ही जा पाते हैं। ना वो गुरुजी को मानते हैं, ना ही वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वो सिर्फ एक भीड़ होती है। हमें गुरुजी का गुरु परिवार बनना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।